इमेजिन कीजिए अपनी लाइफ विदाउट इलेक्ट्रिसिटी। वी टेक इट फॉर ग्रांटेड कि आज हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी है, मैग्नेटिज्म है, और उसकी वजह से हमारा जो पूरा सिविलाइजेशन है वो चेंज हो चुका है। थोड़ा ही टाइम पुरानी बात है ये, थोड़े ही टाइम पहले इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म इतना डेवलप नहीं था, और उस टाइम की दुनिया में और आज की दुनिया में बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ गया है। आपने कई हॉरर मूवीज शायद देखी हो। हॉरर मूवीज़ में एक ही चीज़ जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट होती है, वो होती है डार्कनेस, लाइट कम होना। तो पहले भी ऐसे ही होता था, पहले रात को ज़्यादा लाइट्स होती नहीं थी, इलेक्ट्रिसिटी थी नहीं, तो उसकी वजह से लोग डरा करते थे रात को बाहर निकलने में। नाइट यूज़ टू ब्रिंग टेरर विद इट। तो उस पूरे सिनेरियो को इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म ने चेंज करके रख दिया है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म ने हमें अपने डीमन से, हमें अपने जो मिथ्स होते हैं, जो कई सारी अफवाहें फैली हुई होती थी, उन सभी से बाहर लेके आया है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म हमें। अगर मैं आपसे पूछूं कि ह्यूमन सिविलाइजेशन में सबसे बड़ा जो डिस्कवरी है, इन्वेंशन है, वो क्या है, तो आप शायद कई सारे आपके पास आंसर्स आए। आप सोचिए ज़रा, आपको क्या लगता है कि सबसे इम्पॉर्टेंट क्या अभी तक ह्यूमंस ने ऐसा डिस्कवर किया जो उनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था, ह्यूमंस के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था। मैं तो पर्सनली एग्रीकल्चर को सबसे इम्पॉर्टेंट डिस्कवरी या इन्वेंशन मानता हूँ ह्यूमन सिविलाइजेशन के लिए। ऐसा क्यों? ये इसलिए क्योंकि जब एग्रीकल्चर हमें नहीं आता था तो उसके पहले ह्यूमंस का ज़्यादातर टाइम पता है किस में ज़्यादा था? हंटिंग में और खाना ढूंढने में। जो ह्यूमंस हुआ करते थे उनकी ग्रोथ भी इसी वजह से इनहेबिट होती थी क्योंकि उन्हें प्रॉपरली फूड जो था वो इजीली अवेलेबल नहीं था। पूरा दिन खाना ढूंढने में निकल जाता था। इमेजिन करो आज आप कितना इजी है, आपको भूख लग रही है, आप क्या करो, आप सुपरमार्केट चले जाओ, आप बाज़ार चले जाओ, वहाँ से कुछ भी खरीद के ले आओ और खा लो, कितना ईजी। नहीं तो पहले क्या होता था, अरे यार भूख लग रही है क्या करें, चलो शिकार पर चलते हैं, और फिर बाहर जाके आपको कुछ ना कुछ ऐसे ढूंढना पड़ता था खाने के लिए। तो इमेजिन करो आपकी लाइफ अगर आपको आज बाहर जाके कहीं ऐसे शिकार पे जाना पड़े या फिर कहीं से आपको तोड़ के लेके आना पड़े कुछ भी खाने के लिए। तो अब हमारी लाइफ बहुत सिंपल हो गई है। अब ये क्यों हो पाया? बिकॉज ऑफ एग्रीकल्चर। जब ह्यूमंस ने एग्रीकल्चर का डिस्कवरी किया, एग्रीकल्चर क्या होता है उसको समझ में आया, तो ह्यूमंस क्या करने लगे, बहुत बड़े एरियाज में एग्रीकल्चर स्टार्ट कर दिया। अब इसमें फ़ायदा ये था कि सभी लोगों को एक साथ एग्रीकल्चर करने की रिक्वायरमेंट नहीं थी, कुछ लोग एग्रीकल्चर कर सकते थे और बाकी लोगों को फीड कर सकते थे। तो अब जो बाकी के बचे लोग थे वो क्या करते थे, वो लोग दूसरी एक्टिविटीज़ में अपने आप को बिजी रखने लगे। तो जब एग्रीकल्चर स्टार्ट हुआ उसी के बाद ह्यूमंस को टाइम मिलना स्टार्ट हुआ, और जब ह्यूमंस को टाइम मिला उसी से हमारी सिविलाइजेशन आज जो है वैसी सिविलाइजेशन बनी है। आर्ट्स, साइंस, मैथमेटिक्स, ठीक है, जो भी ह्यूमन सिविलाइजेशन को जिस भी चीज़ ने आगे बढ़ाया है वो तभी पॉसिबल हो पाया बिकॉज ह्यूमंस के पास लेजर टाइम था, फ्री टाइम था। एंड फ्री टाइम क्यों अवेलेबल हुआ? बिकॉज ह्यूमन स्टार्टेड डूइंग एग्रीकल्चर। तो अगर हम आज की सिविलाइजेशन देखें तो ये सिविलाइजेशन पॉसिबल ही नहीं होती अगर एग्रीकल्चर जो है वो ह्यूमंस ने करना नहीं सीखा होता। एग्रीकल्चर के बाद आप किसको सबसे इम्पोर्टेंट मानते हैं? तो मैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म जो है उसको सबसे इम्पोर्टेंट मानता हूँ आफ्टर एग्रीकल्चर। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि जब हमने पिछले कुछ 100 ईयर्स 200 ईयर्स में जब इसका पूरा जब स्टडी हुआ, तो उसके बाद अगर हम देखें लास्ट 50-60 ईयर्स में और बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ है। तो हमारी पूरी ह्यूमन हिस्ट्री में ऐसा जो हमने अभी डेवलपमेंट देखा है पिछले 50 साल में, वो पूरी ह्यूमन सिविलाइजेशन की हिस्ट्री में नहीं हुआ है। और मैं एग्जैजरेट नहीं कर रहा हूँ, सही बोल रहा हूँ। अभी आपके पास अगर आपकी लाइफ स्टाइल देखें तो अगर आपको किसी से कम्युनिकेट करना है तो इंटरनेट के थ्रू, मोबाइल फ़ोन्स के थ्रू आप इजीली एक सेकंड में कम्युनिकेट कर सकते हैं। इवन वीडियो कॉल कर सकते हैं, आप देख सकते हैं कि वो जो पर्सन है वहाँ पे वो क्या कर रहा है। मतलब इमेजिन कीजिए कितना अमेजिंग है, मैं यहाँ पर बैठा हूँ और आप मुझे देख सकते हैं कहीं पर और बैठ के, आप कहीं पर भी हो सकते हैं दुनिया में। तो ये कितना हम टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं। अगर हम 50-60 ईयर्स पहले जाए तो ऐसा कुछ भी नहीं था। ये एक बहुत ही प्रिविलेज्ड हम टाइम पे रह रहे हैं कि जब वो इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म जब डिस्कवर हुआ उसके बाद के टाइम पे हम आए हैं, तो हमारे पास इतने सारे फैसिलिटीज़ हैं। उसके बाद भी हम क्या करते हैं? उसके बाद भी हम रोते रहते हैं कि हमारे पास ये नहीं है, वो नहीं है। अगर आप 50-60 साल पहले पैदा हुए होते
तब की लाइफ और अभी की लाइफ में ज़मीन आसमान का अंतर है। आपके पास इतना सारा फैसिलिटी है जो आप सोच भी नहीं सकते हो। ये तो मैंने एक एग्जांपल दिया, इसके अलावा बहुत सारे एग्जांपल्स है। आपको इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू लाइट्स मिलता है, फैन के थ्रू आप घर में आराम से रह सकते हैं, टीवी है, रेफ्रिजरेटर है, इतनी सारी चीज़ें हैं। ठीक है, मैं एक एक चीज़ें पॉइंट करूंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा। सो आई थिंक आप भी समझ गए होंगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म जो है इसने पूरी दुनिया को चेंज कर दिया है, और इसीलिए मैं इसे एग्रीकल्चर के बाद सबसे इम्पॉर्टेंट इन्वेंशन और डिस्कवरीज में से मानता हूँ। अब हम ये समझेंगे कि ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म इतना सब कुछ इसमें डिस्कवरीज हुई है तो वो कैसे पॉसिबल हुआ, किस तरह से स्टेप बाय स्टेप ह्यूमंस जो है उन्होंने इस पर्टिकुलर फिनोमिना को अनकवर किया और नेचर के एक अलग ही एस्पेक्ट को उजागर किया। तो हम स्टोरी देखेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की। अब ये जो स्टोरी है ये ज़्यादा पुरानी नहीं है, ओनली अबाउट 300 to 250 ईयर्स पुरानी है। इतने से टाइम में इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म ने इतना सारा चेंज ला दिया है। बस ये करीब 250-300 साल पुरानी बात है कि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म के कुछ डिमॉन्स्ट्रेशंस जो होते थे, नया नया जब हमको पता चला था तो इसके जब डिमॉन्स्ट्रेशंस होते थे तो वो एक मैजिकल ट्रिक्स की तरह डिमॉन्स्ट्रेट किए जाते थे। जैसे अभी मैजिशियंस नहीं होते, वो अलग अलग अपनी मैजिक ट्रिक्स करते हैं, तो उस टाइम पर जब ये नया नया पता चला था तो इसको एज अ मैजिक ट्रिक यूज़ किया जाता था। जो बड़े बड़े लोग होते थे, अमीर लोग होते थे, तो उनके लिए इसके शोज ऑर्गेनाइज किए जाते थे इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म के, और उन्हें एंटरटेन किया जाता था। तो अब इन 250 सालों में ऐसा क्या हो गया है, इस तरह से हमने क्या क्या डिस्कवरीज कर लिए, तो वो एक छोटे से मैजिक ट्रिक से आज हमारी लाइफ का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट बन गया है। तो ऐसा क्या हुआ, तो कई लोग थे जो बस इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को एज अ मैजिक ट्रिक और लोगों को मैजमराइज करने के लिए यूज़ करते थे, बट देर वर फ्यू पीपल हु वर थिंकिंग बियॉन्ड दैट। वो उसकी डिटेल्स को ढूंढने में लगे हुए थे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म कैसे वर्क करता है इसको पता करने की कोशिश में लगे हुए थे। और जैसे कई बार होता है साइंस में, तो जो पहला मेजर ब्रेक थ्रू हमें लगा था इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में वो बाय एक्सीडेंट हमें मिला था। स्टीवन ग्रे करके एक सिल्क डायर थे, तो आपने देखा होगा कि जो सिल्क होता है उससे कभी कभी कुछ स्पार्क्स निकलती है। जैसे आप कभी कोई ब्लैंकेट सो रहे हो उसमें, तो उसमें जैसे आपने कभी हाथ से मूव किया तो स्पार्क्स निकलती है, तो वो फैसिनेट हुए कि ये जो स्पार्क्स है ये कैसे निकल रही है। अनफॉर्चुनेटली क्या होता है कि वो एक एक्सीडेंट में क्रिपल हो जाते हैं, यानी कि उनका चलना फिरना बंद हो जाता है। तो ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज की तरह उनके लिए होता है, क्योंकि जब वो चल फिर नहीं पाते हैं तो वो जो नॉर्मल पहले काम कर रहे होते हैं वो कर नहीं पाते, तो उन्हें टाइम मिलता है जो उनके फैसिनेशंस थे उनके लिए, तो फिर वो ट्राई करते हैं इन स्पार्क्स के बारे में कुछ और चीज़ें फाइंड करने के लिए। तो उनके फ्री टाइम में स्टीफन ग्रे क्या करते थे, वो अपने आप को चार्ज अप करते थे और फिर अपने बॉडी से गोल्ड लीव्स को अट्रैक्ट करने की कोशिश करते थे। अब वो ये सोच रहे थे कि उनकी बॉडी से तो ये अट्रैक्शन हो रहा है गोल्ड लीव का, पर कुछ और दूसरे सब्सटेंसेस थे जिनसे ऐसा नहीं हो पा रहा था। तो वो क्या करते हैं, इन दो सब्सटेंसेस के नाम रखते हैं, इंसुलेटर्स और कंडक्टर्स। अब अगला क्वेश्चन ये था कि जो कंडक्टर्स होते थे उन पर चार्ज बहुत थोड़ी ही देर के लिए रहता था स्टोर्ड। तो लोग ये कोशिश कर रहे थे कि क्या कुछ ऐसा हो सकता है कि हम बहुत देर तक चार्ज को स्टोर करके रख सकें, और अगर हम ज़्यादा देर तक चार्ज को स्टोर करके रख सकते हैं तो क्या हम उससे कुछ नई चीज़ कर सकते हैं। तो इस चीज़ के लिए पहला मेजर ब्रेक थ्रू जो मिला वो लाइडन इंग्लैंड में मिला। वहाँ पे एक प्रोफेसर थे पीटर वॉन करके, तो वो ऐसा सोच रहे थे कि जिस तरह से हम वाटर को स्टोर करके रखते हैं तो क्या उसी तरह से इलेक्ट्रिसिटी या चार्ज को हम स्टोर करके रख सकते हैं। तो उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट डिवाइस किया, उन्होंने एक जार लिया जिसमें वाटर फिल कर दिया और उस वाटर में एक मेटल का रॉड लगा दिया, और फिर वो उस मेटल की रॉड को चार्ज करते थे। अच्छा, चार्ज कैसे करते, तो जैसे किसी भी चीज़ को रब हम करते हैं तो उसके थ्रू चार्जिंग वगैरह होती है, फ्रिक्शन के थ्रू और भी तरीके हैं, तो वो उसको चार्ज करते थे। तो कुछ खास तो हुआ नहीं, तो एक दिन क्या होता है वो उस जार को एक इंसुलेटर के ऊपर रखना भूल जाते हैं, और जब ऐसा होता है तो वो आके उसको टच करते हैं, और जैसे उसको टच करते हैं तो उनको बहुत बड़ा सा एक शॉक लग जाता है। तो हुआ ये कि उन्होंने एक जार बनाया जिसमें पानी था, एक मेटल की रॉड थी, और वो उसको इंसुलेटर पे रखा करते थे। लेकिन एक दिन वो इंसुलेटर पे रखना भूल गए, फिर वो आके उसको टच करते तो उन्हें शॉक लग जाता है बहुत ज़्यादा। तो जो चार्ज था
वो पहली बार वो इतनी देर तक स्टोर करके रख पाए थे। अब जहाँ पे ये डिस्कवरी हुई थी लाइडन, तो इसीलिए लाइडन जो है उस जगह के नाम पे इस पर्टिकुलर जार को क्या बोला गया, लाइडन जार बोला गया। ये पता चला कि जब हम चार्ज को अलाउ करते हैं ग्राउंड में जाने में, मतलब अर्थ में जाने के लिए, तो जितना ज़्यादा चार्ज अर्थ में जाता है उतना ही बड़ा शॉक लगता है। जितना चार्ज इकट्ठा होता जाता है और फिर हम उसको एकदम से पास करें अपनी बॉडी के थ्रू अर्थ में, तो उतना ही बड़ा क्या लग रहा था, शॉक लग रहा था। तो ये काफ़ी काउंटर इंट्यूटिव था कि अगर हम ज़्यादा चार्ज स्टोर कर रहे हैं और अगर वो अर्थ में लीक कर रहा है, अर्थ में चला जा रहा है, तो हमें क्यों शॉक लग रहा है? वो तो लीक कर गया, वो तो चला गया, उस ऑब्जेक्ट से चला गया, तो फिर शॉक क्यों लग रहा है? उस टाइम पे किसी के पास इसका कोई आंसर नहीं था। तो अब हम इंग्लैंड से चलते हैं यूएस में। यूएसए में, अमेरिका में बेंजामिन फ्रैंकलिन एक व्यक्ति थे, शायद आपने उनका नाम सुना हो। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन जो है वो आगे जाके यूएस के प्रेसिडेंट भी बनते हैं। तो वो काफ़ी रैशनल इंसान थे। वो ये चाहते थे कि वो साइंस के थ्रू और रैशनलिज्म के थ्रू जो भी मिथ्स होते हैं और जो भी अफवाहें फैलती हैं और जो भी अलग अलग आइडल्स बने हुए हैं, तो उनको ख़त्म किया जाए और रैशनली सभी चीज़ों के आंसर को ढूंढा जाए। उन्हें एक चीज़ बहुत ही ज़्यादा इंट्रीगिंग लगती थी, वो थी थंडर। जब बारिश होती है तो जो बिजली कड़कती है, तो उससे वो काफ़ी फैसिनेटेड थे। तो उन्होंने फिर सोचा कि क्यों ना इस थंडर के बारे में थोड़ा सा पता किया जाए कि ये थंडर होती क्या है, ये कहाँ से आती है और इसका नेचर क्या है। तो आपने शायद इस एक्सपेरिमेंट के बारे में सुना हो, तो ऐसा कई बुक्स में भी लिखा है कि बेंजामिन फ्रैंकलिन क्या करते हैं, एक बारिश थंडरस्टॉर्म वाले एरिया में जाते हैं, बहुत तेज़ बारिश हो रही होती है, और वो काइट को फ्लाई करते हैं। तो जब थंडर गिरता है, बिजली गिरता है, तो वो उस मेटल के जो की है उसके ऊपर आता है, और इससे वो ये प्रूफ करते हैं कि जो आसमान में जो थंडर है, जो बिजली है, वो ही इलेक्ट्रिसिटी हम अर्थ पे भी प्रोड्यूस कर रहे हैं। ऑब्वियसली ऐसा एक्सपेरिमेंट तो नहीं हुआ था एग्जैक्टली कि वो बारिश में काइट फ्लाई कर रहे थे, पर इसी तरह का एक एक्सपेरिमेंट किया गया था बेंजामिन फ्रैंकलिन के कहने पर एक दूसरी जगह पर। तो पेरिस के पास में एक गांव था, वहां पर बेंजामिन फ्रैंकलिन के इस एक्सपेरिमेंट को कुछ मॉडिफाई करके करने की कोशिश की गई। 1752 में जॉर्ज लुइस जो होते हैं वो पेरिस के उस गांव में एक बड़ा सा पोल लगाते हैं और उस पोल के नीचे एक वाइन जार को रखते हैं और उसमें उस पोल को डाल देते हैं। वो जो पोल होता है वो करीब करीब 40 फीट का होता है। तो उन्होंने पूरा एक सेटअप बनाया जो एक लाइडन जार की तरह था, एक मेटल का रॉड और एक वाटर जैसा एक लिक्विड जैसे कि वाइन उन्होंने यूज़ किया। और 23 मई को एक थंडर जो होता है, एक लाइटनिंग जो होता है, इट स्ट्राइक्स द मेटल रॉड और फाइनली ये प्रूव हो जाता है कि जो आसमान में जो थंडर है, जो लाइटनिंग होती है, इट इज़ द सिमिलर इलेक्ट्रिसिटी दैट वी प्रोड्यूस ऑन अर्थ, जो हम लोग खुद भी प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो एक बहुत बड़ा एक डिस्कवरी था ये, क्योंकि पहले ऐसा माना जाता था कि ये जो बिजली कड़क रही है कुछ सुपर नेचुरल पावर्स की वजह से हो रहा है, कोई आपने कुछ गलत काम किया इसलिए इसके आपके ऊपर बिजली गिर गई है, ऐसा माना जाता था। सो ये जो मिथ्स होते थे, ये डीमंस होते थे, इनको दूर किया बेंजामिन फ्रैंकलिन के इस एक्सपेरिमेंट ने। तो फ्रैंकलिन ने थंडर को तो समझ लिया, अब वो ये समझना चाहते थे कि लाइडन जार कैसे वर्क करता है। तो उन्होंने बैंकिंग सिस्टम को इसको यूज़ किया समझने के लिए। तो जैसे हम क्रेडिट हमें मिलता है यानी कि पॉजिटिव, और अगर हम डेबिट करते हैं यानी कि नेगेटिव, तो उसी कॉन्सेप्ट को वो भी यूज़ करने लगे। तो उन्होंने क्या बोला कि अगर किसी बॉडी के पास इलेक्ट्रिक फ्लूइड ज़्यादा है तो वो पॉजिटिव होगा, और अगर किसी बॉडी के पास इलेक्ट्रिक फ्लूइड कम है तो वो नेगेटिव होगा। अब हर एक ऑब्जेक्ट, हर एक बॉडी न्यूट्रल रहना चाहती है, मतलब कि ना उसके पास ज़्यादा इलेक्ट्रिक फ्लूइड हो ना कम हो। तो जब वो न्यूट्रलाइज होना चाहती है, जब न्यूट्रल बनना चाहती है, तो उसकी वजह से क्या होता है, चार्ज का फ्लो होता है। और चार्ज जब फ्लो होते हैं तो फिर वो दोनों ऑब्जेक्ट्स को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। जैसे मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट है जो पॉजिटिव है, एक ऑब्जेक्ट है जो नेगेटिव है, जब उनको कनेक्ट करेंगे तो क्या होगा, जो पॉजिटिव जिसके पास ज़्यादा इलेक्ट्रिक फ्लूइड है वो अपना इलेक्ट्रिक फ्लूइड कम वाले को देगा और दोनों क्या हो जाएंगे, न्यूट्रलाइज हो जाएंगे।